जी आज जो टॉपिक है वो है इंसेक्ट्स एंड ह्यूमंस। कह रहे ओनली अबाउट 0.5% ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर। तो कह रहे हैं कि जितने भी इंसेक्ट्स की जो स्पीशीज हैं उनमें से सिर्फ 0.5% मतलब 1% भी नहीं है, ठीक है, 1% से भी कम है, हाफ जो बनता है 0.5% जो इंसेक्ट की जितनी भी स्पीशीज हैं उनका 0.5% जो स्पीशीज हैं वो इंसानों की हेल्थ और वेलफेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। एडवर्स का मतलब कि शदीद, ठीक है, तो शदीद नुकसान जो उनकी सेहत और उनकी वेलफेयर के ऊपर जो पहुंचाते हैं इंसेक्ट्स वो टोटल इंसेक्ट्स में से सिर्फ 0.5% है। मैनी अदर्स हैव प्रोवाइडेड वैल्यूएबल सर्विसेज एंड कमर्शली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज वैक्स हनी एंड सिल्क फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो कह रहे हैं कि जो बाकी हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, ठीक है, कमर्शली भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना के देते हैं हमें, जैसे वैक्स है, ठीक है, गोंद वगैरह जो है, फिर शहद है, फिर सिल्क जो है, रेशम जो है, तो हज़ारों सालों से जो इंसेक्ट्स हैं वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। इंसेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलिनेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ ऑल प्लांट स्पीशीज। क्या एक और फ़ायदा क्या है कि जो इंसेक्ट्स हैं ये तकरीबन 65% जो पौधे हैं उनमें पोलिनेशन करवाते हैं, ठीक है, तो पोलिनेशन आपको पता है कि वो उनको पोलन ग्रेन को जो है दूसरे फ्लावर की ओवरी तक पहुंचाते हैं। इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हैव को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दैट डायरेक्टली बेनिफिट ह्यूमंस। तो क्या जो इंसेक्ट्स हैं और फ्लावरिंग प्लांट फूल जिनमें फूल होते हैं पौधों में, तो क्या इनकी जो एवोल्यूशन है वो इकट्ठी हुई है, को एवोल्यूशन का मतलब इकट्ठी हुई एवोल्यूशन, ठीक है, उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है जिसका इंसानों को फ़ायदा है। द एनुअल वैल्यू ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड क्रॉप्स इज एस्टिमेटेड एट $19 बिलियन पर ईयर इन द US। तो क्या सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंसेक्ट्स के ज़रिए जो फसलों में पोलिनेशन होती है, ठीक है, कीड़ों के ज़रिए, तो उसका $19 बिलियन सालाना सिर्फ US में फ़ायदा होता है, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फिर कई गुना ज़्यादा है इससे। कह रहे इंसेक्ट्स आर आल्सो एजेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी ये यूज होते हैं। द क्लासिक एग्जांपल ऑफ वन इंसेक्ट रेगुलेटिंग अनदर इज द विडेलिया लेडी बर्ड्स को कहते हैं बीटल्स। कंट्रोल ऑफ कॉटनी कुशन स्केल, ये जो लेडी बर्ड है बीटल की किस्म है, ये आम बाहर फसलों में नज़र आती है, ठीक है, जिसको अल्लाह मियाँ की हम भैंस या गाय भी कहते हैं, ठीक है, तो वो जो लेडी बर्ड बीटल है कह रहे कि ये क्या करती है, कंट्रोल करती है किसको, कॉटनी कुशन स्केल को, ठीक है, ये इंसेक्ट का नाम है, कॉमन नेम है एक इंसेक्ट का जो फसलों को खाता है, ठीक है, तो उस फसल को खाने वाले कीड़े को ये लेडी बर्ड बीटल खाती है। द स्केल इंसेक्ट जो है कह रहे हैं वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू कैलिफोर्निया इन द 1860s। 1860 में ये जो स्केल इंसेक्ट है एक जो कीड़ा है कह रहे हैं कि ये कैलिफोर्निया में 1860 में वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। विद इन 20 years द सिट्रस इंडस्ट्री इन कैलिफोर्निया वाज वर्चुअली डिस्ट्रॉयड। तो 20 साल के अंदर अंदर इस इंसेक्ट की वजह से कैलिफोर्निया में जो सिट्रस इंडस्ट्री थी, जो माल्टे कीनू वगैरह की जो इंडस्ट्री है, वो कहते हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। द विडेलिया बीटल जो मतलब लेडी बर्ड कहलाती है आम, विडेलिया बीटल जिसको कॉमन नेम है, वाज ब्रॉट टू द US इन 1888 एंड 1889 एंड कल्चर्ड ऑन ट्रीज इन्फेस्टेड विद स्केल। वो कह रहे हैं कि फिर 1888 और 1889 में
इस बीटल को फिर कैलिफोर्निया में लेके लेकर आए और उसको दरख्तों के ऊपर जो है वो कल्चर किया गया जहाँ पे वो स्केल इंसेक्ट मौजूद था। इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स द स्केल वॉज अंडर कंट्रोल एंड द सिट्रस इंडस्ट्री बिगेन टू रिकवर। तो क्या चंद सालों के अंदर अंदर जो है वो सिट्रस स्केल जो इंसेक्ट था स्केल इंसेक्ट वो कंट्रोल हो गया और सिट्रस इंडस्ट्री फिर से रिकवर होने लगे। तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल की एक एग्जाम्पल है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से किसी दूसरे लिविंग जानदार को कंट्रोल करना, ठीक है, जो अनवांटेड हो, ठीक है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से किसी दूसरे अनवांटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। तो उसकी एग्जाम्पल हमने देखी कि बीटल की मदद से स्केल इंसेक्ट को कंट्रोल किया गया। मैनी अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल। तो कह रहे बहुत इंसेक्ट्स फायदेमंद भी हैं, जैसे सॉइल डिवेलिंग इंसेक्ट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एरेशन ड्रेनेज एंड टर्न ओवर ऑफ सॉइल एंड दे प्रमोट डिके प्रोसेसेस। तो कह रहे हैं कि जैसे सॉइल डिवेलिंग जो मतलब मट्टी में रहते हैं इंसेक्ट जो हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं इरेशन, इरेशन का मतलब हवा, लफ्ज़ी मतलब हवादार। तो ज़ाहिर है वो जहाँ बिल्ले बना के रहेंगे या ज़मीन की खुदाई करके वहाँ पे रहेंगे उससे जो हवा है वो मट्टी के थोड़ा सा अंदर सुराख के अंदर भी चली जाती है जिससे पौधों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। फिर ड्रेनेज, ज़ाहिर वहाँ पर सुराख करेंगे तो वो पानी ड्रेन होगा। फिर सॉइल को टर्न ओवर मतलब नीचे की मट्टी को ऊपर ऊपर के नीचे उन मिक्स करते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है। और कह रहे हैं कि प्रमोट करते हैं डिके प्रोसेस, जो डेड पार्ट्स होते हैं पौधों के उनको डिके करने में भी मदद करते हैं। अदर इंसेक्ट्स सर्व इम्पॉर्टेंट रोल्स इन फूड वेब्स। जो फूड वेब है हम पढ़ चुके हैं फूड चेन होती है उसी फूड वेब है उसमें इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंसेक्ट्स आर यूज्ड इन टीचिंग एंड रिसर्च एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू एडवांसेस इन जेनेटिक्स पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो क्या जो टीचिंग है और रिसर्च है उसमें भी इंसेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है और इनकी मदद से जेनेटिक्स को पॉपुलेशन इकोलॉजी को फिजियोलॉजी को समझा जाता है। इंसेक्ट्स हैव आल्सो गिवन एंडलेस आवर्स ऑफ प्लेयर टू दोज हु कलेक्ट देम एंड एंजॉय देयर ब्यूटी। तो क्या है कि जिनको जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं जो इंसेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं उनको खुशी होती है इंसेक्ट्स को कलेक्ट करके इनको स्टडी करके। सम इंसेक्ट्स हाउएवर आर पैरासाइट्स एंड वेक्टर ऑफ डिजीजेस। कह रहे हैं कुछ जो इंसेक्ट्स हैं वो बजाते खुद पैरासाइट होते हैं और कुछ जो हैं वो वेक्टर होते हैं, मतलब वो दूसरी बीमारियों के को फैलाने का सबब बनते हैं, उनको वेक्टर हैं। पैरासिटिक इंसेक्ट्स इंक्लूड हेड बॉडी एंड प्यूबिक लाइस, मुख्तलिफ टाइप्स हैं लाइस जूमे जिसको हम कहते हैं ये भी पैरासाइट हैं। बेड बग्स जो हम खटमल कहते हैं तो बेड बग्स भी पैरासाइट हैं। फ्लीज, फ्लीज जिनको हम उर्दू में पिस्सू कहते हैं तो ये पिस्सू जो हैं ये भी पैरासाइट्स हैं। अदर इंसेक्ट्स ट्रांसमिट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीमाटोड्स एंड फ्लैटवर्म्स। कह रहे कुछ इंसेक्ट्स हैं वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस वगैरह फिर नीमाटोड और फ्लैट वर्म्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इंसेक्ट्स ट्रांसमिटेड डिजीजेस सच एज मलेरिया, येलो फीवर, बबूनिक प्लेग, एनसेफलाइटिस, लिशमेनिया एंड टाइफस हैव चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो कह रहे ये जो बीमारियां हैं ये इंसेक्ट ट्रांसमिट करते हैं, कौन सी मलेरिया, येलो फीवर, बबोनिक प्लेग, ठीक है, एनसेफलाइटिस। एनसेफलाइटिस क्या होता है कि जिसमें टांगे खास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेल कर जाती हैं। फिर लिशमेनियासिस ये भी पैरासाइट, लिशमेनिया जो पैरासाइट है इसकी वजह से होता है, ठीक है, एक वर्म है और ये भी जो है वो ब्लड वेसल्स वगैरह को ब्लॉक कर देते हैं। फिर टाइफस जो है ये भी जो है वो इंसेक्ट्स के जरिए होता है, तो ये मुख्य बीमारियाँ ये फैलाते हैं। अदर इंसेक्ट्स आर पेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। कह रहे हैं कि इसके अलावा
बहुत से इंसेक्ट हैं वो जो पालतू जानवर और पौधे होते हैं उनके ऊपर भी रहते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। सम रिड्यूस द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। कुछ जो हैं वो जो डोमेस्टिक जो घरेलू जानवर होते हैं उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं मतलब प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, एनिमल से उनकी दूध हो सकता है, उनसे ऊन लेते हैं हम जो, ठीक है, ऊन बनती है उसकी क्वालिटी हो सकती है, फिर लेदर लेते हैं उनका जो चमड़ा स्किन होती है, ठीक है, खाल जिसको हम कहते हैं जिससे लेदर हासिल होता है, तो उसकी क्वालिटी को ये ख़राब कर देते हैं। कैन इंसेक्ट्स फीड ऑन क्रॉप्स एंड ट्रांसमिट प्लांट डिजीजेस सच एज डच एल्म डिजीज, पोटैटो वायरस एंड एस्टर्स येलो। तो कह रहा है कि ये फसलों को एक तो खाते हैं, ये भी नुकसान है, फिर ये बीमारियां भी फैलाते हैं फसलों में मुख्तलिफ तरह की। कह रहे एनुअल लॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम इंसेक्ट डैमेज टू क्रॉप्स और इंसेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन द यूएस इज अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन। तो कह रहे कि जो सालाना नुकसान है इंसेक्ट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या फसलों में बीमारियां फैलाने के नतीजे में जो नुकसान होता है सिर्फ अमेरिका में, वो सालाना कह रहे कि $5 बिलियन के करीब करीब होता है।